दोस्तों, देखिए हमारा टैटू कैसा है। हमारा टैटू कुछ तो याद दिलाता है। हमारा टैटू हमने बताया हुआ है वीडियो में, तो देखिएगा जरूर। दोस्तों कैसा है हमारा टैटू। गाइस कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। दोस्तों तो स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल में, और जो भी नए आए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल। और दोस्तों अभी अभी जो है आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है वो 5:30 बजे कर रही हूँ मैं। तो कभी कभी सुबह सुबह टाइम नहीं लगता है दोस्तों ब्लॉग बनाने का, तो क्योंकि अंशु को भी संभालना पड़ता है और घर का भी काम रहता है दोस्तों, तो नहीं मिल पाता है टाइम मुझे। और खास कारण ये है कि मेरा स्टैंड जो है वो अंशु ने कहीं तो फेंक दिया है, और एक तो वो थोड़ा टूटा फूटा हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा खड़ा कर लेती हूँ मैं, सपोर्ट लगा देती हूँ ऐसे कुछ भी, तो वो पता नहीं कहाँ फेंका हुआ है। तो अभी मैं जो हूँ हाथ में ही पकड़ा हूँ अपना मोबाइल जो है, तो वैसे ही शूट कर रही हूँ अब आज का ब्लॉग जो है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी नए आए होंगे हमारे चैनल में तो सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों हमें। और अभी हम थोड़ा सा अपना परिचय बता देते हैं दोस्तों। तो हमारा नाम है अनुराधा, और हम अभी मायके की बात करते हैं क्योंकि सबसे पहले आता है मायका। तो दोस्तों मेरा मायका जो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव से हूँ मैं, और पहाड़ी हूँ दोस्तों। और ससुराल की बात करूँ तो ससुराल जो है मेरा शिरडी में है, महाराष्ट्र में है। तो जो महाराष्ट्र के हैं उनको तो मालूम ही होगा, मतलब मेरा जो भी ब्लॉग देख रहे होंगे महाराष्ट्र के, तो उनको तो मालूम ही होगा शिरडी कहाँ है, साईं बाबा का स्थान है वहाँ पे। तो दोस्तों हमारी जो है लव मैरिज हुई है, तो पति जो है वो फौजी है, और जो डेली उस मेरा ब्लॉग देखते हैं, जो भी मतलब कामकाज करती हूँ मैं, ब्लॉग शूट करती हूँ, तो उनको तो मेरी पुरानी हिस्ट्री मालूम ही रहती है, लेकिन जो नए आते हैं उनके लिए बताती हूँ मैं ये जो है। तो दोस्तों अभी जो है ना, अभी अंशु को मैं छोड़ के आई हूँ ताई सासू माँ के पास, क्योंकि वो मुझे ना कुछ भी काम नहीं करने देती है। और अभी जो है वो गाय के पास भी गई हुई थी, मैं सब काम खत्म करके आ गई, तो अभी थोड़ा बहुत टाइम फ्री हो गया मेरा। मैंने जो है आटा भी गूंद लिया है शाम की रोटी के लिए, और सब्जी जो है अभी काट ली है। कल तो मैंने भिंडी बनाई हुई थी और ब्लॉग में बताया हुआ था मैंने, तो दोस्तों कल भिंडी बनाई थी। आज जो है वो इधर महाराष्ट्र में आमटी बनाते हैं दोस्तों, काली सब्जी बनाते हैं, तो जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको अच्छी तरह से मालूम होगा काली सब्जी क्या होती है। तो दोस्तों वो बनाने वाली हूँ आज, अभी सीख गई हूँ महाराष्ट्र का खाना बनाना जो है वो आ ही जाता है। अभी सासू माँ सिखाई देते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मतलब सब काम आए ना तो बाद में जो हार नहीं मानी जाती है ना दोस्तों। तो अभी जो है वो पति देव जो है वो करवा चौथ पे नहीं आने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि उनको मैंने फ़ोन किया था और पूछे थे, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं होती, वो बिजी चल रहे दोस्तों, तो बीच बीच में तीन तीन दिन के बाद बात होती है, तो उनके साथ बात हुई थी, तो मैं उनको बोल रही थी कि प्लीज़ करवा चौथ में आ जाओ, तो बोलते नहीं अभी, क्योंकि अभी 4 मंथ हुए उनको गए हुए, तो वो बोलते नहीं अगले साल आने वाले हूँ, क्योंकि अगले साल जो है ना दोस्तों बहुत ही स्पेशल डे आने वाला है एक जो है फरवरी में। और जो रेगुलर देखती है मेरा ब्लॉग उनको तो मालूम ही होगा कि क्या है स्पेशल डे है 14 फरवरी को। तो 2 फरवरी को अंशु का बर्थडे है, तो अभी सोचा नहीं है दोस्तों कि हिमाचल में बनाएंगे या फिर महाराष्ट्र में बनाएंगे, क्योंकि वो फौजी साहब की छुट्टी के ऊपर रहेगा कब आने वाले हैं वो, तो वो डेट फिक्स नहीं बताई हुई उन्होंने। और दोस्तों अभी मेरे भाई की शादी है, रियल भाई की शादी है, मेरा भाई एक ही है और मम्मी पापा है। तो दोस्तों हिमाचल की लड़की ढूंढी है और शादी फिक्स हो गई है, तो अभी जो है ना शादी के लिए जाने की तैयारी मतलब अभी हुई नहीं है, तो करने वाली हूँ जब फौजी साहब घर में आएंगे ना तब करने वाली हूँ। तो दोस्तों मुझे एक कमेंट आया हुआ था, मैंने ब्लॉग बनाया हुआ था ना उसमें बताया हुआ था कि मेरे भाई की शादी जो है फिक्स हो गई है, तो मुझे पूछ रहे थे कि दीदी आप जाने वाले नहीं क्या, आप रियल भाई की शादी और इतनी लेट जाने वाले। मैंने उसमें बताया था कि मैं मतलब फरवरी महीने में ही जाऊँगी, तो वो बोल रहे थे मुझे कमेंट करके कि दीदी आप मतलब आधी मतलब पहले ही चले जाओ, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी मम्मी की। तो दोस्तों आपका सही है, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी, लेकिन मैं अकेली कैसे जाऊँ, मतलब अभी जो है वो हस्बैंड जो है वहाँ पे हैं, दूर है,
और अभी इधर ससुराल में जो खेतों का काम भी चल रहा है, और सोयाबीन तो अभी निकाल दी, तो काले चने वगैरह बीज रहे हैं, गन्ना लगा रहे हैं, तो अभी खेतों का काम चल रहा है। ससुर जी को टाइम नहीं है, और घर में सिर्फ ओनली मैं और सासू माँ हैं, और ससुर जी हैं, और जेठ जी है वो पूना में रहते हैं, उनका भी छुट्टी नहीं है। तो दोस्तों आप ही बताओ मुझे, मैं कैसे जाऊँ अकेले? अकेले जाने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, इधर से फ्लाइट में जाऊँगी दिल्ली, लेकिन फिर उधर से जो है ना एक नाइट लगती है हिमाचल के लिए। अभी जिसने भी ट्रैवल किया हुआ हिमाचल हिमाचल के लिए, मतलब महाराष्ट्र से घूमने के लिए जाती हूँ, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है ना हिमाचल प्रदेश जो है, कुल्लू मनाली वगैरह में गए होंगे, मंडी डिस्ट्रिक्ट से होके ही जाते हैं कुल्लू मनाली में, तो उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों ऊपर से बैग रहेंगे, अंशु रहेगी, जाने का मन तो बहुत ज़्यादा है, वो तो हर किसी का होता है ना दोस्तों, मायके जाने का मन किसका नहीं होता है, तो वो कारण है दोस्तों मैं नहीं जा सकती। बैग रहेंगे, अंशु को संभालूँ या फिर मतलब उसको, या मतलब दिल्ली में होता मेरा मायका तो मैं फाइनली मतलब अकेले भी जा सकती थी, क्योंकि फ्लाइट में बैठा और बस उधर पहुंची उधर आ जाते घर वाले, लेकिन उधर से भी एक नाइट लगती, तो इस कारण से नहीं जा पाऊंगी मैं अकेली जो हूँ। तो इसका आंसर जो मिल गया होगा आपका। और दोस्तों अभी जो है ना, अभी मेरे टैटू को ना दोस्तों 1 साल हो गया, मतलब ऐसी ही देख रही थी मैं, एल्बम देख रही थी अपनी जो है, मैं बेलगाम में गई थी ना, मतलब बेंगलोर में गई थी अपने फौजी साहब के साथ गई थी पिछली साल, तो उस टाइम मैं एल्बम देखा तो मुझे ना करवा चौथ के टाइम का याद आ गया, क्योंकि करवा चौथ में ना उनके साथ में थी और फर्स्ट करवा चौथ मनाया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग की हुई थी उधर के मार्केट में घूम रहे थे, और तब मैं शायद ब्लॉग नहीं बनाती थी दोस्तों। तो दोस्तों मेरा टैटू तो मतलब आप देखते ही होंगे आ ही जाता है, मतलब ऐसे ऐसे करती हूँ तो वो तो दिख ही जाता है दोस्तों। और इस टैटू को ना दोस्तों मतलब 1 साल हो गया है, अभी कंप्लीट 1 साल हो गया मेरे टैटू को, तो उसका कलर जो है ना वैसा कि वैसा ही है, मतलब इतना सा भी फेड नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने मतलब अच्छी जगह से मनवाया है ये टैटू जो है। तो मतलब मेरी जो भी फ्रेंड थे ना, हिमाचल वाली फ्रेंडे हैं, अभी जी जिसके हस्बैंड मतलब वो अपने अपने हस्बैंड का नाम लिखते ही हैं दोस्तों, अपना भी लिखते हैं, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता था उनका हाथ में देख के, जैसे ही वो शाइनिंग मारते हैं ऐसे, तो बहुत बहुत ज़्यादा दिल से था कि मुझे भी टैटू बनाना है। तो कब बनेगा, बस डर लग, वो बोलते थे कि बुखार आता है 7 दिन जो है, और तेर से नहीं बनाया जाएगा, हमने बड़ी मुश्किल से बनाया, वो मुझे डरा देते थे। 3-4 फ्रेंड ऐसी थी मेरी कॉलेज की, वो उन्होंने सबने बनाया हुआ, लेकिन इतना बड़ा नहीं बनाया, उन्होंने छोटे छोटे नाम लिखे हुए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये था कि नहीं मैंने बनाना है टैटू, कितना अच्छा लगता है, मतलब जैसे मैं रास्ते में से गुजरती थी ना, कहीं मार्केट वगैरह जाती थी ना, और जिस लेडीज़ ने बनाए होते थे ना टैटू, मैं बस उनका हाथ ही देखती रहती थी, यार कितना अच्छा टैटू बनाया है, मुझे भी बनाना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने प्लीज़ मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो करवा चौथ के टाइम, तो उन्होंने बोला चल ठीक है, एक दिन आ ही गया। वैसे अब मतलब टाइम आ गया कि मतलब वो हाँ बोल दिए, कि वो बोलते थे कि दर्द होता है कि इसलिए जाना है मत बना, नहीं मैं कहा मानने वाली, तो बेंगलोर में थे और उधर चले गए, मतलब अभी तक भी मुझे टाइम याद है, क्योंकि इसी दिन बनाया हुआ था दोस्तों, करवा चौथ के 1-2 दिन पहले बनाया हुआ था, तो अभी 1 साल हो गया मेरे टैटू को। तो दोस्तों हम चले गए, और जैसे ही उन्होंने बटरफ्लाई के ऊपर ना ये कलर भरा हुआ है ना दोस्तों, देख सकती है रेड रेड कलर है, थोड़ा सा नॉर्मल सा, जैसे ही उन्होंने मतलब छाप वगैरह लगा दी उन्होंने, मैंने बोला ऐसा मैं खुद दिया हुआ था ये डिज़ाइन जो है, मैंने ऐसा बनाना है, तो जैसे उन्होंने बटरफ्लाई के ऊपर रखा ना दोस्तों, इतनी बड़ी सुई रहती है वो मशीन के साथ चलती है, बाप रे मैंने बोला इतना दर्द होता है, तो मतलब आधी बटरफ्लाई बनाई, मैंने कहा भगवान अभी नहीं बना जाएगा, वो बोलते दीदी इतना अच्छा नहीं दिखेगा, वो सिर्फ बटरफ्लाई बनाई और नाम आधा कैसे है वो अच्छा नहीं दिखेगा, तो आपको पूरा ही बनाना पड़ेगा। भगवान उन्होंने कस के पकड़ा मेरा बाजू, और मैं सिर्फ फौजी साहब का मुँह देखती रही कि दर्द हो रहा है, बोलते किसने बोला था, मैंने बोला था तो मुझे ना दर्द भी हो रहा है, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे चिल्ला भी रही थी, तो फाइनली बन गया टैटू, और उन्होंने जो है ढक दिया, और उन्होंने कुछ भी लगाने के लिए नहीं बोला था, मुझे सिर्फ जो वाशलीन रहता है ना दोस्तों वो ही लगाने के लिए बोला था, तो उसमें पानी लगाने के लिए भी उन्होंने बोला था दोस्तों, मैं नहाती थी ना मतलब उसमें इतना सा भी पानी नहीं लगाती थी, हंस को बनाती नहीं, एक हाथ से नहाती थी और वो हेल्प करती थी हस्बैंड, तो दोस्तों इतनी खुशी हो रही है कि 1 साल हो गया मेरे टैटू को, और मेरा टैटू का कलर जो है ना वैसा कि वैसा ही है, और देख सकते हैं आप मेरे फौजी साहब का नाम क्या है, वो दिख ही रहा होगा आपको, क्या नाम है कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों,
क्या नाम पढ़ने के लिए आ रहा है। तो ये डिज़ाइन मैंने खुद बनाया, देखिए दो छोटे छोटे दिल है और उसमें थोड़ा सा रेड कलर भरा हुआ है, मतलब वो फीका हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है और रेड कलर लेते हैं पिंक हो जाता है। तो एक साल हो गया मेरे टैटू को। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात है, मेरी अंशु जो है ना हो गई थी तब, मतलब जब मैंने टैटू बनाया ना तब वो हो गई थी, 7-8 महीने की थी तब वो। तो उसके नाम पर हमने ना वहाँ पर नज़दीक ऐसे छल्ले बन रहे थे ना दोस्तों, तो मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि हम जो है उसके नाम का छल्ला बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया दोस्तों। देखिए ये वाला छल्ला जो है ना, मेरा नाम नहीं तो उनका नाम होना चाहिए था, लेकिन ना मैं नहीं बोला, मैंने सिलेक्ट किया हार्ट का जो है ना ये, तो मतलब इसको ऐसे भी मान सकते हैं ना, बेटी और पप्पा ऐसे भी मान के चल सकते हैं। तो इसका नाम जो है अंशु है, अंशिका, तो उसका पूरा ही नाम लिखवाया हमने अंशिका जो है। ये देखिए, तो ये मेरे अलमारी की चाबी है, तो इसका नाम लिखवाया मैंने खुद का, उन्होंने मेरा नाम भी लिखवाया हुआ है, उसका अलग है, वो भी हार्ट शेप में है। और एक उनका नाम, तीन छल्ले बनाए हुए हमने, बैंगलोर की याद दिलाते हैं दोस्तों, वो दिन कभी आएंगे नहीं। इसको भी एक साल हो गया दोस्तों ये हार्ट को, तो बहुत अच्छा लगता है, वो दिन कभी नहीं आने वाले दोस्तों, पता नहीं भगवान मतलब हमारी झोली में फिर से डाल दे। वैसे दिन बहुत याद आती है, क्योंकि अभी हम गाँव में रहते तो गाँव की लाइफ, और सिटी में रहना तो सिटी की लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है लाइफ के बारे में तो कुछ नहीं, लेकिन हस्बैंड साथ में हो तो कितना अच्छा लगता है दोस्तों, मतलब बहुत इन्जॉय होता है। और अपने पास एक छोटा सा बेबी हो तो भी, तो बेबी तो मैंने बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, भगवान से मांग मांग के पाया हुआ अपना बेबी जो है। बहुत मुश्किलों भरी जिंदगी थी उस टाइम मेरी, जब मेरी प्रेगनेंसी थी, मैंने प्रेगनेंसी ब्लॉग बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो देखिएगा ज़रूर। और इसमें मेरी मतलब बहुत टफ गई मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी जो है दोस्तों, अगर फिर से सुनना होगा आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो दोस्तों यही था मेरा आज का ब्लॉग जो है, तो मिलती हूँ न्यू ब्लॉग न्यू शुरुआत के साथ अगले दिन दोस्तों, तो बाय बाय। अभी थोड़ी देर में नाइट होने वाली है, तो गुड नाइट दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है आप सभी के साथ दिल की बातें शेयर करना, और आपका सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अभी। और क्या बोल रहे दोस्तों, अभी थोड़ी देर के बाद हम खाना बनाने वाले हैं, तो दोस्तों बाय बाय।